तो हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल द फोटोजेनिक ट्रैवलर। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया व्लॉग। सो रिसेंटली मैं गया था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में मैं जिस जगह पर गया था वो चित्रकूट से 70 किलोमीटर दूर रह जाती है, एंड उस जगह पर मुझे काफ़ी पुराने ज़माने की चीज़ें देखने को मिली। लाइक जो वहाँ के घर थे सभी मिट्टी के घर थे, एंड वहाँ पर उन सभी घर को एक ही तरीके से बनाया जाता था, एंड वहाँ के लोगों ने मतलब अभी तक अपने घरों को उसी तरीके से बना के मेंटेन वेल मेंटेन करके रखा हुआ है, जैसा कि आप इस वीडियो में आगे देखोगे। तो चाय नाश्ता करके हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग नोएडा से निकले, एंड नोएडा से बुंदेलखंड तक का टाइम जो था वो 8 घंटे का शो कर रहा था, बट रास्ते में यमुना एक्सप्रेस वे पर हमें काफ़ी फॉग मिला तो वो 9 घंटे का हो गया था। सो यमुना एक्सप्रेस वे के बाद हमें मिलता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, एंड लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो काफ़ी लंबी जर्नी थी, तो लगभग 550 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब पहुंच गए थे। ये जहाँ पे हमें जाना था बस उस गांव के बाहर का ही व्यू था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो मुझे वहाँ पे मेरे सारे रिलेटिव्स मिले, एंड जिस विलेज में मैं गया था उस विलेज का नाम था अकबई, एंड इस विलेज में एक छोटी सी पहाड़ी है एंड उसका एक बहुत ही छोटा सा ट्रैक है। तो हम लोग वहाँ पे ट्रैकिंग करके ऊपर तक गए। तो वहाँ पे ऊपर से पूरा गांव का व्यू मिलता है जो कि बहुत अच्छा व्यू है, एंड यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए वैसे तो कुछ हद तक तो रास्ता बना हुआ था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे ये छोटी छोटी सी झाड़ियों ने हमें काफ़ी परेशान किया। एंड वहाँ पे चढ़ाई करने से पहले एक मंदिर पड़ता है जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इन झाड़ियों की वजह से हमें ऊपर चढ़ने में खैर काफ़ी मुश्किलें तो आई, लेकिन फिर भी हम ऊपर चढ़ गए। जाने से पहले ये मंदिर पड़ता है, ये मंदिर 64 योगिनी का है, ये हमारी कुल देवी है, और कुछ भी होता है तो हम यही पूजा करने आते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है। तो जैसे आप लखनऊ में रहती हैं तो लखनऊ में भी अगर कोई कार्यक्रम होता है, कोई शुभ कार्य होता है तो तब भी आप यहीं पे आते हैं पूजा के लिए? ये हमारा गाँव है तो हम लोग यहीं पर पूजा करने आते हैं। कितना दूर पड़ता होगा आपका गांव आपके लखनऊ से? लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत ही शानदार नमूना। इस तालाब में पूरे गांव का पानी आता है और बरसातों में सारा पानी नालियों के थ्रू यहीं पे आकर के इकट्ठा होता है। गांव वाले इस पानी को अपने डेली यूज़ के इस्तेमाल में करते हैं, जानवरों को पानी पिलाना, कपड़े धोना, नहाना धोना, इस तरीके के काम यहां पे किए जाते हैं। एंड आप यहां पे देख सकते हैं सनसेट का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। अभी अभी हम लोग इस गाँव के जो छोटी सी पहाड़ी है उसकी हम ट्रैकिंग करके आए हैं, एंड वो इतना अच्छा पहाड़ था, बहुत ही शानदार। सो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको सारी पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाऊंगा, तो आप उसका एक नमूना देख सकते हैं ये कुआं
जो कि आज की डेट में यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन ये आप इसकी हालत देख करके और इसको इसकी बनावट देख करके आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस टाइम का रहा है और कितना पुराना रहा है। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए गए इस तालाब पे। मॉर्निंग वॉक करी, फिर उसके बाद हमने गांव को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, एंड एक्सप्लोर करते करते मुझे काफ़ी सारी अलग हटके चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि ये सभी रूफ्स, इनमें जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, ये जो जिससे बनाई गई हैं, इस चीज़ को बोला जाता है खपरेल गांव की भाषा में। ये मिट्टी के होते हैं और इनको मिट्टी के सांचे में इनको बना करके इनको फिर पकाया जाता है। एंड ये जो घर है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा मिट्टी का बना हुआ घर है, एंड ये पूरा घर जो है 2 मंजिल का घर है, एंड पूरा मिट्टी से बनाया गया है। और इसमें बीम्स के तौर पे बड़े बड़े लकड़ी के प्लैंक्स को यूज़ किया गया है, एंड कॉलम्स के तौर पे भी ये लकड़ियों के प्लैंक को यूज़ किया गया है। तो एक इंजीनियरिंग का भी ये बहुत ही शानदार नमूना है कि मिट्टी के घर कैसे हो सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं। एंड यहाँ का डेकोरेशन देखेंगे आप, पूरा मतलब बीच में मिट्टी से लीपा जाता है, एंड उसके बॉर्डर्स पे पूरे घर को मतलब उस फ्लोर को बॉर्डर्स को पेंट कर दिया जाता है अलग अलग कलर से, कहीं पर रेड तो कहीं पर ब्लू। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।